माइक लीजिए। कहाँ से हैं? इंदौर से। इंदौर में कहाँ रहते हैं? इसने है लतागंज। मूसा खेड़ी इंदौर ही में है का? हैं? हम आओ चंगीलाल मूसा खेड़ी को आए। हाहो हाहो उनको पता चल गओ का कहाँ रहा हो। बोलो बेटू क्या बात है? एक तो घर की जो खुशियां है वो है ही नहीं घर में, दूसरा ये कि पिताजी का अच्छा बिजनेस था, बहुत सब कुछ बढ़िया था, सर्विस सब खत्म, और तीसरा शादी का। आपके घर में बहुत हैरानी है, उपद्रव मचा हुआ है, उपद्रव मचा है, कलेश शांत होगा, विवाह योग पर कृपा होगी, चिंता ना करें। माता पिता की आज्ञा लेकर के आगे बढ़ना एक विषय है, माता पिता की आज्ञा लेकर के आप आगे बढ़ना, चूंकि हम नहीं चाहते कि इस गद्दी से वो बात आगे जाए। माता पिता की आज्ञा लेकर के आगे बढ़ना, हमेशा प्रसन्न रहेंगे। पिता के बिजनेस को बंधन में किया गया है, 2017 से हैरान है, एक बार दरबार में लेकर के आइए, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। बोलिए सच्चे दरबार की। बागेश्वर धाम वहीं के दरबार मंगल के बहुत सालों से खराब है, धाम पर भेज देना बागेश्वर बालाजी। घर पर कुछ बंधन है तंत्र का, इसमें कोई समझे नहीं। धाम पर कब आना है? जब हम धाम पर रुकेंगे। हाँ। अब हम जून में मिलेंगे धाम पर जी। और कब आ रहे हैं हम जून में लंदन से वापस? 17 तारीख को हम आ रहे हैं। आप उसके बाद जो मंगल पड़े वहाँ पे इसी में पहुँचना, एक इसमें मंत्र लिखा उसका जाओ। घर पर जो सूना सूना लगा रहता है, उजड़ गया हो जैसे सब कुछ, पहले जैसा रौनक, पहले जैसा सामंजस्य, पहले जैसा बोलचाल, पहले जैसा व्यवहार, पूरा जो सुन हुआ है, उसका मूल कारण एक स्त्री के द्वारा बार बार फेंकना है टोटका। अब वो चूँकि विषय बहुप्रचारित है, सबको पता है, उससे सब अवगत हैं, तो हमें नहीं लगता कि माइक पर उस चीज़ को खोलना चाहिए, हमें यही लगता है कि ठीक कर देना चाहिए। हम आज ही सेना भेज देंगे, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। बोले बालाजी सरकार की जय हो। एक भाई बाहर रहता है, वो इंडिया आएगा ये इस वाले विषय में, ठीक है? आए थे वो भी आपके दरबार, देख लिया हमने, देख लिया, मिल गया जवाब। हाँ जी मिल गया जवाब। हाँ जी मिल गया। हम नहीं चाहते थे कि बेइज्जती हो आपकी, जाओ जोड़ा से आइए। भैया फॉरेन है, वो इंडिया आ जाएंगे, उन पर भी कृपा करना। हाँ जी जय हो। जोड़ा से आइयो हमने कहा, कथा तो एक दिन जोड़ा से सुनाई जाइए। बोले गुरुदेव भगवान की, बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।